पूरे देश के तहत यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी सपा व आरएलडी के बने इस गठबंधन की पहली चुनावी संयुक्त महारैली में इकट्ठा हुए इन पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग इस बने गठबंधन के अपने इस क्षेत्र के सभी लोकसभा उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को तथा राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी को भी सुनने के लिए यहाँ देवन कस्बे में लाखों लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं पहुँचे हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और खासकर इस रैली में, इस महारैली में मैं अपनी महिलाओं की तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आज ये अपने सभी काम काज छोड़कर हमें सुनने के लिए यहाँ अपार संख्या में पहुंची है। इसके साथ ही मुझे अब ऐसा लगता है कि आज जैसे ही आपकी इस अपार भीड़ की जानकारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिलेगी तो फिर वे इस बने गठबंधन से घबराकर अब जरूर पगला जाएंगे। और अब वे यहां कभी भी अपने इस गठबंधन के बारे में शराब के साथ साथ और भी ना जाने क्या क्या बोलने लग जाएंगे जिनका अब आपको कुछ भी संज्ञान नहीं लेना है। लेकिन अब इनके इस घबराहट से आपको ये जरूर मानकर चलना चाहिए कि इस बार चुनाव में या खासकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और गठबंधन आ रहा है, बशर्ते यदि इन्होंने इस चुनाव में यहाँ फिर से वोटिंग मशीनों में कोई बेईमानी व गड़बड़ी आदि नहीं की। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट में बने अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी एवं अन्य और पार्टियों के ही हाथों में केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों में भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा है। और इस मामले में लगभग यही स्थिति हमें अन्य और पार्टियों की भी यहाँ देखने के लिए मिली है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में इनकी सरकार की
शुरू से ही चल रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। जिसे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व्याम जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिस पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवा हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अध कच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर जुटे रहे हैं। और इन्होंने अपना ये अभियान पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके जबरदस्ती के किए गए इन कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार व आयोजन पर भी इन्होंने देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खर्च और कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को यहाँ देश के अति गरीब व अति बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इनकी पार्टी व सरकार तथा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इन सब लोगों के हितों के कार्यों के मामले में वास्तव में सही, ईमानदार व गंभीर होते तो फिर अब इन्होंने चुनाव के नज़दीक जो भी यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास व घोषणाएं आदि की हैं, तो इनको ये सभी कार्य यहाँ चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके खास चहेते वे बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में ही लगी रही है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगी रही है। इसके साथ ही आप लोग साइलेंट हो जाओ, ध्यान से मेरी बात को सुनो।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की आम जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें सौगातें दी हैं, तो ये ज्यादातर इनकी केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी गई नामचार की खोखली चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसके साथ ही यहाँ गन्ना किसानों का बकाया पड़ा व इनकी पूरी कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी ज्यादातर अब इनकी सरकारी फाइलों में या फिर इनकी खोखली बयानबाजी में ही सिमट कर रह गई हैं। जबकि आप लोगों को ये मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही थी, तो मैं पश्चिमी यूपी के किसान भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में, आपके पश्चिमी यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों का और खासकर गन्ना किसानों का जो बकाया पड़ा था, तो उसको हमने पूरा अदा कराया। और इतना ही नहीं, जिन प्राइवेट मिल मालिकों ने किसानों का बकाया नहीं दिया, तो मेरी सरकार ने बिना कोई देरी किए हुए उन्हें जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया था। ये भी आप लोगों को मालूम है। और मैं आज आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिला, तो फिर पूरे देश में राज्यों को इतने सख्त निर्देश दिए जाएंगे, फिर किसानों का किसी भी फसल का बकाया आप लोगों को नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इनकी वे अन्य विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है, जिसके कारण ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण तो अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी की सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े धन्ना सेठों व पूंजीपतियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने नियम व कानूनों को भी अब इस सरकार में भी अधिकतर प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसके कारण अभी भी इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए
अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है और इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के नजदीक देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से भी इनका पूर्ण रूप से उत्थान होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और साथ ही इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बड़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं और खासकर कांग्रेसी सरकार में बोफोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार में राफेल का मामला भी इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा जानी माली नुकसान भी हो चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने केंद्र में पूर्व में रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी सरकार की खासकर सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी अपनी विपक्षी पार्टियों के खासकर प्रभावशाली लोगों को जबरन फर्जी व गलत मामलों में फंसा के उन्हें कमजोर करने के लिए ही इनका काफी ज्यादा दुरुपयोग भी किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। और अब मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे देश व आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफली साबित हुई हैं, जिन्हें देश की जनता एक बार नहीं बल्कि कई कई बार आजमा भी चुकी है और अब आपको इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और अब आप लोगों को इस चुनाव में इन सभी विरोधी पार्टियों को यह केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर आने नहीं देना है, जिनको आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश करेगी, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में वे हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है, चुनाव के दौरान यहाँ विरोधी पार्टियाँ अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती है और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उड़ता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी या दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर
और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही यहाँ खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बनकर रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में अब इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को इस मामले में पूर्व में यह देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसके कारण ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब फिर से इस चुनाव में खासकर इस पार्टी के यानी कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने देश के अति गरीब लोगों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। और वैसे भी केंद्र व राज्यों में हर पांच वर्ष में यहाँ ज्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर हमारा इस संदर्भ में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या यहाँ हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। इसलिए बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी इस प्रलोभन भरे वायदे के बहकावे में यह अति गरीब लोगों को कतई भी नहीं आना है, जबकि इस मामले में सभी ये जानते हैं कि इसी प्रकार की पूर्व में यह कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ के नाम पर बनाए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की नाटकबाजी इनकी दादी इंदिरा जी ने भी की थी। लेकिन इस संदर्भ में खास ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को भी केवल चुनाव के समय में ही या फिर सत्ता से बाहर रहकर ही इनको देश के खासकर अति गरीबों को 15 से 20 लाख रुपए देने की व अब हर महीने 6000 रुपए देने की तथा इनके लिए अनेकों और कार्य करने की ही याद क्यों आती है, ये भी सोचने की बात है। अर्थात इन पार्टियों को ये सब कार्य करने की अपनी सरकार में रहते हुए इनकी ये याद क्यों नहीं आती है, इस बात की तरफ भी आप लोगों को जरूर गंभीरता से सोचना होगा। इसी प्रकार कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के भी नेताओं को विशेषकर चुनाव के समय में ही ज्यादातर इन्हें यहाँ मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा व मझार आदि पर अपना माथा टेकने चादर चढ़ाने व किस्म किस्म की पूजा पाठ आदि करने के साथ साथ खासकर भीड़ वाले क्षेत्र में पदयात्रा घाट यात्रा व रोड शो आदि करने एवं गंगा यमुना में भी डुबकी लगाने व इनके बोट यात्रा करने की तथा अपने कमजोर क्षेत्रों में
फिल्म कलाकारों को टिकट देने व इनके जरिए भीड़ जुटाने आदि की ही याद क्यों आती है? ये सब भी यहाँ काफी गंभीरता से सोचने की बात है। हालांकि इन सब मामलों में अब देश की जनता भी धीरे धीरे ये समझने लगी है कि ये सब केवल इनकी आड़ में इनके वोटों को लुभाने व अपनी खुद की कमियों एवं विफलताओं पर पर्दा डालने के ही इनकी ये सब किस्म किस्म की कोरी दिखावटी नाटकबाजी है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। इसके साथ ही गठबंधन के लोगों को यहाँ मैं ये भी सावधान करना चाहूँगी, पूर्व की तरह इस चुनाव में भी यहाँ विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इनके खड़े किए गए उम्मीदवारों को भी अपना वोट इन्हें अपने यार दोस्त रिश्ते नातों व जाति बरादरी आदि के चक्कर में भी पढ़कर इनको कतई भी देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका थोड़ा बहुत लाभ यहाँ विरोधी पार्टियों को जरूर मिल सकता है। और इस संबंध में मैं खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी यूपी में और खासकर आपके सहारनपुर मंडल में, मेरठ मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, बरेली मंडल में, ये कुछ ऐसे मंडल हैं जिन मंडलों में तो मुस्लिम समाज की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम समाज की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। मेरा खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ, और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके, गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। इसलिए मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना सावधान करना चाहती हूँ, इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये मुझे ये जानने के लिए मिला है, कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है हम जीते या ना जीते लेकिन गठबंधन नहीं जीतना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी ने तो जगह जगह ऐसी जाति और ऐसे धर्मों के लोगों को खड़ा किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच जाए। तो इसलिए मैं मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा दूर की बात आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ, मैं सहारनपुर लोकसभा की सीट की बात आपके सामने रख रही हूँ। आप लोगों को मालूम है सहारनपुर लोकसभा की सीट के मुसलमानों को ये मालूम है कि हमारे इस कैंडिडेट का, हमारा ये जो मुस्लिम समाज का कैंडिडेट है, तो इसका टिकट हमने बहुत पहले फाइनल कर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट फाइनल नहीं था। तो इन कांग्रेस को भी मालूम है कि सहारनपुर में कांग्रेस को कोई और दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि हर लोकसभा की सीट पर काफ़ी बड़ी तादाद में बीएसपी का बेस वोट है, और अब तो समाजवादी पार्टी के लोग भी मैदान में उतर पड़े हैं, हमारे जाट भाई भी मैदान पे उतर पड़े हैं, सर्व समाज के लोग मैदान में उतर पड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। इस प्रकार यहाँ गठबंधन के लोगों को
ये सभी सावधानियां बरतकर पहले इस लोकसभा आम चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकना है और फिर इसके बाद आगे चलकर इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी आने से जरूर रोकना है, उत्तर प्रदेश से भी। तो मोदी के साथ साथ योगी को भी भगाना होगा आपको, तभी फिर यहाँ केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के चल रहे खासकर इनके जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व पूंजीवादी तथा अहंकारी तानाशाही व अन्याय वाले राज से भी काफी कुछ मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश के अब हम देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगा। इसके साथ ही केंद्र से जुड़ी उत्तर प्रदेश की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, इसके साथ ही केंद्र से जुड़ी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और इस मामले में मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा देश में आम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब आप लोगों को या अपने इस बने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इस मामले में हमारी महिलाएं भी कतई भी पीछे नहीं रहेंगी। हमारे कार्यकर्ताओं का हर पोलिंग बूथ पे, जो हमारी पोलिंग बूथ की कमेटी है, सेक्टर की कमेटी है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई वोट हमारा पड़ने से ना रह जाए, उनका एक एक वोट डलवाना आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी, सपा व लोकदल के बने इस गठबंधन ने यहाँ आपके इस क्षेत्र में जिन लोगों को भी अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए यहाँ आपके सहारनपुर लोकसभा की सीट से इस गठबंधन के बीएसपी के उम्मीदवार श्री हाजी फजलुर रहमान को बिजनौर लोकसभा की सीट से, श्री मलूक नागर को कैराना लोकसभा की सीट से, वर्तमान में महिला सांसद तबस्सुम हसन को मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट से, चौधरी अजीत सिंह जी को वे बागपत लोकसभा की सीट से, इनके सुपुत्र श्री जयंत चौधरी को भी, हालांकि इनका प्रोग्राम बागपत का कल मेरठ में है, लेकिन ये इधर आए हैं, आपके रिश्ते नाते भी बागपत में होंगे, तो उनसे भी अपील करके इनको जरूर जिताना। अब यहाँ आप लोगों को रात दिन मेहनत करके भारी वोटों के अंतर से इन सबको जरूर जिताकर भेजना है, जिसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन बीएसपी के लोकसभा के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के और सपा के लोकसभा के उम्मीदवारों को
साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के और आरएलडी के भी लोकसभा के सभी उम्मीदवारों को हैंडपंप चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के ही देना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ, लेकिन अब मेरे बोलने के तुरंत बाद ही सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव इस चुनाव को लेकर अपनी जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे और फिर इनके बाद लोकदल के अध्यक्ष, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट के भी उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह भी अपनी बात रखेंगे। और अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं और मैं श्री अखिलेश यादव को कहती हूं वे तुरंत आकर अपनी बात आप लोगों के सामने रखें। अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूं, जय भीम, जय लोहिया व जय भारत। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी, दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय अजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित सतीश मिश्रा जी और तीनों दलों के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे सभी किसान भाई, बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। मैं उनके लोगों को और दोनों दल के लोगों को बधाई देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। मैं जिन्हें देख पा रहा हूं और दूसरे मंच में बैठे तमाम हमारे नेता और आई हुई जनता से हम निवेदन और अपील करना चाहते हैं, ये चुनाव इतिहास बनाने का चुनाव है और सहारनपुर की जनता और आसपास की जनता से हम विशेष निवेदन करने आए हैं। वैसे तो यहां के क्षेत्र की और आसपास क्षेत्र की बहुत विशेषताएं हैं। आसपास के जिस जिले को देखें बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं जहां पर एक तरफ माता शाकुंभर देवी का प्राचीन मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ दारुल उलूम भी एक तरफ खड़ा दूसरी तरफ है, जहां एक तरफ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन पाकर के आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, वही दूसरी तरफ दारुल उलूम से पढ़ करके न जाने कितने लोग दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करते हैं। आज जो ये चुनावी जनसभा हो रही है, ये तब चुनावी जनसभा हो रही है जब सब पार्टी के लोगों के आपने विचार सुन लिए हैं। ऐसे भी नेता लोग आए जो नफरत के अलावा कुछ बोले नहीं होंगे। अगर उनसे पूछो कि पुराने जो वादे किए थे वो अब कहां हैं, जो पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे वो वादे कहां हैं, उन वादों पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। पहले हमारे यो बीच में आए और चाय वाला बनकर के आ गए, हमने आपने जना कितने लोगों ने भरोसा कर लिया,
वो अच्छे दिन का भरोसा किया, वो 15 लाख का भरोसा किया, वो करोड़ों नौकरी का भरोसा कर लिया। और फिर चुनाव आया है तो कहा जा रहा है कि हम चौकीदार बनकर के आए हैं। मैं इस जनता के सामने भरोसा दिलाना चाहता हूं, आदरणीय मायावती जी के सामने मैं कह सकता हूं, अजीत सिंह जी के सामने मैं कह सकता हूं, यही गरीब किसान, दलित, अल्पसंख्यक, यही पिछड़े, इस बार मिलकर के एक एक चौकीदार की चौकी छीनने का काम करेंगे। ये चुनाव भविष्य का चुनाव भी है। देश किस दिशा में जाए, किन फैसलों को लेकर के जाए, लोग कहते गठबंधन, हमारे गठबंधन को कह रहे हैं मिलावट का गठबंधन। जहां जाओ डर करके भाषा बदल गई, और ऐसी भाषा बदली न हिंदी में कुछ समझ में आया और जो उर्दू में समझ में आया वो न जाने क्या चीज थी। लगता शराब बोलने वाले लोग सत्ता के नशे में हैं, वो तमाम अपने सपने भूल गए। ये गठबंधन, ये मिलावट का गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है और देश में एक नई सरकार देने का गठबंधन है। नई सरकार देने का गठबंधन और नया प्रधानमंत्री बनाने का ये गठबंधन है। ये सब कुछ मिटाना चाहते हैं, हमारे आपके दिनों की दूरी करना चाहते हैं, खाई पैदा करना चाहते हैं। आदरणीय अजीत सिंह जानते चरण सिंह जी की विरासत को खत्म करना चाहते हैं। यही गठबंधन है जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को भी बरकरार रखेगा, उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम भी यही महागठबंधन करने जा रहा है। ये गठबंधन कभी आदरणीय नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने, आदरणीय मायावती जी ने किया था, और कभी इसी तरह का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा था। वो जो सपना देखा था, आज कम से कम ये गठबंधन उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम आप टीवी देखते रह गए और टीवी पर पैर धोए जा रहे थे, और जब हमने मुड़ करके देखा तो हमारे दलित भाई, पिछड़े और संघ भाइयों की नौकरी धो डाली इन्होंने। न नौकरी न रोजगार, ये पहली सरकार है जो वादा करती है उस वादा के खिलाफ काम करती है। इन्होंने वादा किया कि अच्छे दिन लाएंगे, बुरे दिन ला दिए हमारे और आपके। इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, काला धन आ जाएगा, लेकिन हमारा आपका पूरा का पूरा बैंकों में पैसा जमा करा लिया। जीएसटी से बड़े लोगों को लाभ हुआ होगा, लेकिन हमारे वैश्य भाई, छोटे दुकानदार, छोटे कारोबार करने वाले को कोई लाभ नहीं हुआ, परेशानी पैदा हो गई। और हमारे व्यापारी भाई तो बीजेपी में केवल लंच और मंच के लिए रह गए, उनका कोई कारोबार आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने, अपील करने आए हैं। ये किसानों की धरती है, यहां के लोगों ने अपने खून पसीने से बहा करके यहां पर खेती उपजाऊ की है, और जिस समय देश में अन्न नहीं था उस समय यहां के लोगों ने अन्न पैदा कर करके पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। यहां के लोगों ने गन्ना पैदा कर करके, गन्ना गुआ का करके पूरे देश को मिठास से जोड़ने का काम किया।
लेकिन हमारे आपके खेतों पे गन्ना खड़ा रहे इनको कोई परवाह नहीं है। इसे ठीक कहा आपने कि आपकी सरकार में कार्रवाई हुई, पुरानी सरकारों में कार्रवाई हुई, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कैसे लोग हैं कि उन्हीं लोगों से मिलकर के और उन्हीं के साथ हो गए और हमारे किसानों का भी गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पैसा वहीं का वहीं पड़ा है, किसानों को नहीं बांट रहे हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए, बड़े पैमाने पे नौकरियां नहीं है। प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं कि दुनिया में हमारे देश को गर्व है, हमारा देश हर सूची में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर सही तरीके से आंकड़े देखे जाएं, आज हमारा देश हर चीज में पीछे चला जा रहा है। दुनिया के जितने देश हैं तरक्की कर गए, खुशहाली के रास्ते पर हैं, लेकिन हमारा देश पीछे जा रहा है। जहां हमें ज्ञान विज्ञान से आगे बढ़ना था, वहीं हमें और आपको समाज में दीवाले बना दी। अगर अंग्रेजों ने राज किया था बांट करके, लोगों को बांट करके, दिलों को बांट करके अंग्रेजों ने राज किया था, उससे ज्यादा अगर कोई बांटने का काम कर रहा है हमारे समाज और देश को, तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं। और इनका क्या कहना, वैसे तो ये धर्म के ठेकेदार हैं, इनसे पूछो कभी, हमने तो तस्वीरें देखी हैं, कैसे नहाते हैं कुंभ में ये कोई नहीं जानता। और जैसे नहाते हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लोगे तो कभी दोबारा नहीं नहाओगे। और फिर हमारी आपकी बहुत हसरत थी कि कम से कम 56 इंच का सीना दिख जाए, लेकिन वो भी हम कुंभ में नहीं देख पाए। और ये कहते कि राष्ट्रवाद, हमारी सीमाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है, अभी भी एक एक दिन एक एक जवान शहीद होकर के आ रहा है। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। देश को धोखा दे दिया, इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, देश को बदलने का चुनाव है, ये भाईचारा कैसे बढ़े उसका चुनाव है। हमारे आपके बीच में जो दूरियां पैदा कर दी, उन दूरियों को मिटाने का चुनाव है, और वो नफरत की जो दीवार थी उसको गिराने का चुनाव है। लोग कहते कैसे जीतेंगे, अभी जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, हमें खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी के एक एक कैडर के कार्यकर्ता ने उसमें सहयोग किया, और उस समय हम लोग गोरखपुर भी जीत गए, फूलपुर भी जीत गए। और इसी धरती पर, इसी कैराना पर, जहां पर दीवार बना दी थी, आपके सहयोग और आपके मदद से वो नफरत की भी दीवार गिराने का काम किया, और वहां भी ऐतिहासिक वोटों से राष्ट्रीय लोकदल जीत गया। इसलिए गठबंधन से घबराए हुए हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक भी वोट घटने ना पाए और एक भी वोट बटने ना पाए, और ये अगर आपने कर दिया तो ऐतिहासिक वोटों से आप जीत करके जाएंगे। और जहां तक सवाल कांग्रेस और बीजेपी का है, अगर कांग्रेस को देखोगे आप नीतियां और बीजेपी की नीतियों को देखोगे, तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करेंगे कि ये महागठबंधन तो देश में बदलाव लाने के लिए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बदलाव नहीं लाना चाहती, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी बनाना चाहती है। तो आपको सोचना होगा कि कौन से लोग हैं जो देश को बनाना चाहते हैं, त्याग कर कर करके और सब कुछ छोड़ कर करके अगर कोई काम कर रहा है तो ये गठबंधन मिलकर के काम कर रहा है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर सड़कों का मामला हो,
तो गठबंधन ने कितनी सड़कें बनाई हैं। मुझे याद है एक बार तहसील में मिलने देवन में मैं आया था किसी से, वो कैसी सड़क थी याद कीजिए उस समय पर। अगर मुजफ्फरनगर से आना है, सहारनपुर से आना है तो कब पहुंचते थे पता ही नहीं था। लेकिन बताओ इतना ऊंचा फ्लाईओवर बन गया, कितनी जल्दी पहुंच जाते हो यहां से वहां, वहां से यहां, ये बताओ जरा। अगर बिजली की समस्या रही होगी तो बिजली की भी समस्या का समाधान किया है। लैपटॉप बांटना पड़ा हुआ लैपटॉप भी बांट दिया। अगर पेंशन देनी पड़ी होगी और वो भी करके दिखा दिया। हम तो कहना चाहते हैं जो बिजली के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की दोनों सरकारें मिला लें, दोनों में जितना बिजली का काम हुआ है उतना भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 5 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 2 साल की सरकार में काम नहीं किया है, नहीं किया है। और हम तो कहते हैं कि इस गठबंधन ने तो बिजली बनाई है। हमें बताएं कि अगर एक भी मेगावाट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली बनी हो तो बता दें, एक मेगावाट बिजली नहीं बनी। और दावा करते हैं हजारों गांव में बिजली पहुंच गई। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये चुनाव महापरिवर्तन का भी है और दिल्ली के करीब अगर पहुंचाएगा तो दिल्ली के करीब रहने वाले लोग हैं, यहीं से शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और आज जब नवरात्र के व्रत हैं, हमने तो संकल्प ले लिया कि मन से कभी बोलेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से भी कि अब नवरात्र में कम से कम आप भी संकल्प ले लो कि आप भी आज के बाद से कभी झूठ नहीं बोलोगे। इसलिए आप सबसे अपील करता हुआ कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के बिजनौर के लोकसभा के प्रत्याशी हैं मलूक नागर जी, हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक वोट इनके पक्ष में डालने का काम करना। फजलुर रहमान साहब हैं सहारनपुर से, तबस्सुम हसनपुरा दोबारा लड़ रही हैं कैराना से, अजीत सिंह जी हैं आदरणीय अजीत सिंह जी हैं मुजफ्फरनगर से, हमारे नौजवान साथी जयंत चौधरी हैं बागपत से। हम आपसे निवेदन करते हैं ये सबके सब प्रत्याशी जीते, सबके सब प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीते। ये हमारा और आपका वोट मिलकर के सबका सहयोग जब मिल जाएगा तो अपने आप परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। इसीलिए हम आपसे चल करके आए और धन्यवाद भी देना चाहते हैं यहां की जनता का कि जिस समय न जाने क्या क्या बातें हो रही थी लोकसभा केदारनाथ में, यहां की जनता ने सब कुछ भुला करके इस गठबंधन को जिताने का काम किया था। हम आपके बीच में किसान की खुशहाली चाहते हैं, नौजवान की नौकरी और रोजगार दिलाना चाहते हैं, कैसे महंगाई रुके, कैसे देश आगे बढ़े, कैसे तमाम बीमारियां जो आज हैं कैंसर की लीवर की, हमारा गरीब कभी इलाज नहीं करा पाता, हमारे दलित भाई पिछड़े नहीं इलाज करा पाते, उनको सस्ता और फ्री इलाज कैसे इंतजाम हो जाए, वो इंतजाम करने हैं, इनके जीवन में खुशहाली कैसे आए, इनको सम्मान कैसे मिले और परिवर्तन होकर के देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए, उसके लिए गठबंधन है। हमें उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर के, तीनों दल मिलकर के, सभी प्रत्याशियों को जिता करके ऐतिहासिक वोट दे करके उन्हें लोकसभा में पहुंचाएंगे और देश को एक नया प्रधानमंत्री देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।
देश के नेता माननीय कुमारी मायावती जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री यादव साहब, और सहारनपुर और आसपास के जनपदों से आए हुए ये अपार जनसमूह, आपकी संख्या ने और जोश ने आज तय कर दिया है कि भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। भाजपा सिर्फ हारेगी ही नहीं, भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। 11 तारीख को चुनाव है, हमारे देश के संविधान ने आपको ये ताकत दी है, हर 5 साल में आप सरकार बदल सकते हो। गरीब आदमी के पास यही ताकत है, 5 साल के सरकार के काम का लेखा जोखा करो, अगर पसंद आए तो टाइम और दे दो, नहीं तो ठोकर मार के बाहर करो। क्या किया है 5 साल में? एक और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव तो हर 5 साल में होता है, लेकिन ये चुनाव प्रजातंत्र का भविष्य तय करने वाला है। ये चुनाव देश को बचाने का सवाल चुनाव है। 70 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा देश का प्रजातंत्र खतरे में है। मोदी साहब ने देश की सब संस्थाओं को पंगु कर दिया है, आज सीबीआई ईडी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। नोटबंदी में आरबीआई से राय नहीं ली गई, रोजगार के बारे में जो सर्वे करते हैं एनएसएसओ, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। अगर मोदी जीत जाता है, अमित शाह कहते हैं, तो 50 साल मोदी राज करेगा। साक्षी महाराज कहते हैं भाजपा के एमपी कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं है। तो आपके हाथ में जो अंबेडकर साहब ने संविधान में ताकत दी थी कि आप 5 साल में अपना भविष्य तय करोगे, अगर वो ताकत खत्म हो गई तो आपको सुनने वाला पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। हम सब आपकी बात इसलिए सुनते हैं कि हर 5 साल में हमें आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो 5 साल में क्या किया है मोदी ने? अच्छे दिन आ गए क्या? असल में आपको गलत फहमी थी, मोदी जी आपके अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे थे, मोदी तो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। मोदी के तो अच्छे दिन आ गए ना, दिन में 3 बार सूट बदलते हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया भर में घूमते हैं, टीवी में रोज 3-3 बार भाषण देते हैं, रेडियो पे अपनी मन की बात सुनाते हैं, और क्या कहते हैं, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। हे भगवान, हम सबको ऐसा फकीर बना दे, मुफ्त की खाएंगे, नए नए सूट पहनेंगे, सारी दुनिया घूमेंगे, जब जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे बाय बाय, मैं तो फकीर हूं। ऐसी सरकार को रखोगे या ठोकर मारोगे? ठोकर मारोगे। फिर क्या वायदा किया? किसानों से वायदा किया डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट मानेंगे, लागत का 150% दाम देंगे, गन्ने का दाम 14 दिनों में देंगे। मोदी साहब ने बागपत में जाके कहा था गन्ने का दाम 400 रुपये क्विंटल कर देंगे। मायावती जी के शासन में, मुलायम सिंह जी के शासन में गन्ने का दाम बढ़ाया गया, योगी के शासन में 1 रुपया गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। मायावती जी और मुलायम सिंह जी के शासन में आपको इंतजार नहीं करना पड़ता था गन्ने का दाम लेने का, बल्कि मायावती जी ने तो सख्त कदम उठाए थे मिल मालिकों के खिलाफ। आज हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गन्ने का दाम दे दो, लेकिन मिल मालिकों के खिलाफ सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। देखिए, पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था गन्ने पे चलती है, गन्ने का पैसा मिलेगा तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी, व्यापारी का काम चलेगा, मिस्त्री को काम मिलेगा, स्कूल चलाने वालों को बच्चे की फीस मिलेगी, और गन्ने का दाम नहीं मिला तो यहां की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी।
याद करो जब मुझे मौका मिला था, मिलों की दूरी 25 किलोमीटर हुआ करती थी, मैंने कम करके 15 किलोमीटर कर दी और नतीजा ये हुआ कि अगले 15 साल में यहाँ 45 नई चीनी की मिल लगाई गई थी। जो पुराने किसान बुजुर्ग बैठे हैं, आपका एक तिहाई गन्ना मिल में जाता था और दो तिहाई खानसारी में और कोलू में आपको औने पौने दाम मिलते थे। अब आपका सारा गन्ना मिल में जाता है और उसी वजह से इस क्षेत्र की बहबूदी हुई है। भाजपा किसान विरोधी है, सब जानते हैं। गांव में कभी भाजपा नहीं जीतती थी, भाजपा सत्ता में आई है दंगे की वजह से, और कोई कारण नहीं। और किसानों, 10 साल में नया ट्रैक्टर खरीद लोगे क्या? ट्रैक्टर को कॉमर्शियल डिक्लेयर कर दिया, हर साल टैक्स देना पड़ेगा। रिपेयर को ले जाओगे तो 18% GST देनी पड़ेगी। बिजली का रेट दुगना तिगना हो गया है, कर पाओगे कुछ खेती वेती? फायदे का सौदा है क्या? और तो और, गन्ने का पैसा तो दिया नहीं, पहले चरण के 8 क्षेत्रों में 5,000 करोड़ बाकी है। और गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि मोदी और योगी हमारी फसल चढ़ते घूम रहे हैं। मोदी और योगी आपकी फसल चढ़ते घूम रहे हैं। याद करो किसानों, अभी मोदी साहब मेरठ आए थे, कहते हैं अजीत सिंह ने गन्ने किसान की दाम की हमसे बात ही नहीं की। मोदी जी, 2 अक्टूबर को किसान दिल्ली गया था गन्ने का दाम मांगने, आपने गोली चलाई, आपने पानी की बौछार की, आपने लाठी चलाई, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। कोई भाजपा का MP नहीं गया, मैं आपके साथ खड़ा था वहां। मोदी जी, आपको माफ करने वाला किसान है नहीं, यहां पे कोई किसान आपको माफ नहीं करेगा। नवयुवकों के लिए क्या वायदा था? 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करूंगा। आप NSSO की रिपोर्ट देखो, इतनी बेरोजगारी 45 साल में नहीं हुई जो मोदी के शासन में हुई। 2 करोड़ रोजगार कम हो गए, बढ़ने का काम छोड़ो। 5 साल में और 2 साल में योगी जी ने एक सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं की है। प्रार्थना पत्र मांगा जाता है, फीस मांगी जाती है, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। और अब मोदी साहब क्या कहते हैं? बेटा पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा। पकौड़ा भी बनाना भी रोजगार है भाई। अगर आप पकौड़ा खाओगे तो कोई पकौड़ा बनाएगा, इसमें सरकार का क्या काम है? मोदी साहब ने एक वायदा और किया था, काला धन देश में ले आऊंगा, हर एक आदमी की जेब में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। अकाउंट चेक किया है? 15 लाख पहुंच गए क्या? तो मोदी झूठ बोलता है क्या? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है ना? ये झूठ नहीं बोलता, ये कभी सच नहीं बोलता। देखो जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, अगर बच्चे को क्या सिखाते हो आप? बेटा सच बोला कर। मोदी के माँ बाप ने उसको सच बोलने की सलाह नहीं दी है। तो 20 लाख रुपए तो आए नहीं, अब किसानों से क्या कह रहे हैं मोदी जी? तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 2,000 रुपए दूंगा। भाई किसान को खैरात नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। देखिए, हमारे देश के प्रजातंत्र में ये सिस्टम है, एक पार्टी या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बनेगा और वो सारे देश का प्रधानमंत्री होगा। मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री बने, भाजपा के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। तो इस चुनाव में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए, विरोधी दल ये बहुत कहते हैं मोदी जी कि विपक्ष सिर्फ मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, आगे की योजना उनके पास नहीं है। आज मायावती जी ने आपको बता दिया है कि गठबंधन आपके लिए क्या करने जा रहा है। आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा,
तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो। ठोकर मारोगे भाजपा की सरकार को? ठोकर ऐसी मारना सीधे नागपुर में जाके गिरे और कहीं भाजपा दिखाई ना दे। जय हिंद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सभा समाप्ति के साथ साथ हमारे बीच में हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ चलकर आए युवा नेता, बड़े अदब के साथ हमारे युवा नेता बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी भी हमारे बीच में आए। मैं उनका स्वागत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करता हूँ। और यहीं से सभा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय खुदा हाफिज। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।